चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में बेहद कम वक्त बचा है। टीम इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उससे पहले ही एक विवाद ने टीम इंडिया को घेर लिया है। दरअसल ये मामला जुड़ा है टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा आईपीएल के फाइनल में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे, जबकि टीम इंडिया में उनकी जगह बतौर एक ओपनर है और वो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करेंगे। आईपीएल के फाइनल में रोहित के तीसरे नंबर पर बैटिंग करने पर पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने हैरानी जताई थी। अजहरुद्दीन ने कहा था कि वो हैरान है कि रोहित तीसरे नंबर पर बैटिंग करने क्यों उतरे हैं, जबकि इंग्लैंड में उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना है। इस पर रोहित ने अजहर पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इंग्लैंड में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। रोहित ने कहा कि आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट से काफी अलग है। मैंने आईपीएल शुरू होने से पहले ही कहा था कि टीम को संतुलन देने के लिए मैं निचले क्रम में बल्लेबाजी करूंगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग दोनों परिस्थितियों की तुलना क्यों करते हैं। गौरतलब है कि रोहित ने आईपीएल के सीजन में 17 मैचों में 333 रन बनाए थे। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन के साथ सलामी जोड़ी बनाएंगे। स्पोर्ट्स आर की रिपोर्ट।